AFSV इंटरव्यू SSV इंटरव्यू की तरह ही एक प्रकार का इंटरव्यू है जो कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करते हैं और यह इंटरव्यू हर एक एयरफोर्स एस्पिरेंट को फेस करने पड़ते हैं जो एपकेट के थ्रू एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि AFSV इंटरव्यू भी सिलेक्शन का ही एक पार्ट है जो कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है। तो आइए दोस्तों, इस इंटरव्यू में क्या कुछ होता है सभी चीज के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों, AFSV इंटरव्यू में कुल 5 दिन का प्रोसेस होता है जो कि 2 फेजेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज पहले ही दिन हो जाते हैं और इस फेज में OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और PPNDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा और ये सभी टेस्ट पहले ही दिन हो जाते हैं। दोस्तों, पहला फेज पास करना जरूरी है क्योंकि जो भी एस्पिरेंट पहला फेज पास नहीं करेंगे उससे सेकेंड फेज के लिए अलाउ नहीं किए जाएंगे और फिल्टर करके घर भेज दिए जाते हैं। और अगर आप फेज 1 सफलतापूर्वक क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप सेकेंड फेज यानी फेज 2 में जाते हैं। दोस्तों, सेकेंड फेज में इंटरव्यू, GTO यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस आदि होगा। ये सभी टेस्ट बचे 4 दिन में होते हैं और फिर आपकी AFSV इंटरव्यू समाप्त हो जाती है। इस इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट दोनों फेजेज यानी फेज 1 और फेज 2 क्वालिफाई करते हैं उससे AFSV रिकमेंडेड कैंडिडेट कहते हैं। और इस इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर मेरिट लिस्ट और फाइनल ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके डाउट कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।